प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ओके, तो संख्याएं हैं 12, 15 और 21। तो इनका LCM और HCF निकालने के लिए सबसे पहले 12, 15 और 21 का लेना होगा LCM। ओके, 2 से 12 को भाग करेंगे 6 आएगा, 2 3 6, 3 1 3, ये हो गए 12 के फैक्टर्स, यानी कि 2 × 2 × 3। अब यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 हम लिख सकते हैं × 3। नाउ 15, 3 5 15, 5 1 5। ओके, ये हो गए 15 के फैक्टर्स। नाउ 21, 3 7 21, 7 1 7। ओके, तो ये हो गया 3 × 7। अब हमें निकालना है इनका HCF और LCM। तो LCM कैसे फाइंड करते हैं? जो फैक्टर्स आए हैं उनमें हम छोटे नंबर से शुरू करते हैं और उसकी हाईएस्ट पावर को लेते हैं। ओके, तो इन सभी फैक्टर्स में सबसे छोटा नंबर है 2। ओके, और 2 की हाईएस्ट पावर है 2, तो ये 2 की पावर 2 ले लिया। 2 के बाद नंबर आता है 3, 3 की हाईएस्ट पावर है 1, है ना, तो यहाँ पर आ गया 3 की पावर 1। 1 कभी हम लगाते नहीं हैं, उसको अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर 1 है। 3 के बाद नंबर है 4, तो है नहीं, 5 है, 5 की हाईएस्ट पावर है 1, तो वो ले लिया। फिर 6 नहीं है, यहाँ पर कहीं भी 6 नहीं है। फिर है 7, तो 7 की हाईएस्ट पावर है 1। ओके, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4 3 करेंगे 12, 12 5 एंड जो भी आएगा उसको 7 करके, मतलब कि इन सब का मल्टीप्लाई होगा 420। ये हो गया LCM। अब बात आती है HCF। तो HCF देखो, यहाँ पर एक ही नंबर है जिसका पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है ना, तो ये 3 का पेयर बन रहा है, इसलिए हमारा HCF होगा 3। दिस इज द आंसर।